जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों की जैसा कि हम लगातार आपको पढ़ाना शुरू किए हैं, आगे मैथमेटिक्स के क्लास शुरू होने वाले हैं। आप आराम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ाई कीजिए। दोस्तों हमने इन्फिनिटिव आपको पढ़ाया था, पहला पार्ट इन्फिनिटिव का, जिसमें हमने आपको इन्फिनिटिव समझाने का प्रयास किया था। लोगों को बहुत ज्यादा यह वीडियो पसंद भी आया इन्फिनिटिव का। तो इन्फिनिटिव वास्तव में होता क्या, हम इसके विषय में आज थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्फिनिटिव का मतलब होता है स्टैटिक वर्ब का मतलब क्या होता है? स्टैटिक वर्ब का मतलब होता है दोस्तों टू बी वर्ब। इसी का मतलब होता है टू बी वर्ब। तो आप देखेंगे एक ही शब्द के तीन तीन नाम है। अगर आप इसका चौथा नाम देना चाहेंगे तो हम इसी वर्ब को कह सकते हैं इंट्रांजेस्टिव वर्ब। दोस्तों इसी को हम कह सकते हैं इंट्रांजेस्टिव वर्ब। अगर हम इस वर्ब को इंट्रांजेस्टिव कह सकते हैं तो इसी वर्ब का एक और हम नाम लग सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट वर्ब। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि मैं इसमें इन्फिनिटिव से लेकर के जितने भी डाउट्स होते हैं इन्फिनिटिव के, हम सबके सब डाउट खत्म करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक आप समझते होंगे, स्टैटिक जीएस आप पढ़ते होंगे, स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब कोई चीज जब स्थिर होती है, गतिशील अवस्था में ना होकर के टोटल स्थिर हो, रुकी हुई हो, तो उसे स्टैटिक कहा जाता है। इन्फिनिटिव देखिए आप, इन्फिनिटिव का मतलब स्टैटिक वर्ब, इसी का तीसरा नाम टू बी वर्ब, चौथा नाम इंट्रांजेस्टिव वर्ब, पांचवा नाम इन्फिनिटिव इनफाइनाइट वर्ब। आप देखेंगे इसी के इतने नाम हो गए। अगर इसके हम पार्ट की चर्चा करें तो पार्ट इसके होते हैं दो। नंबर एक होता है दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव, और नंबर दो की अगर बात करें तो नंबर दो पर होता है दोस्तों सिंपल इन्फिनिटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि अगर कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव। और अगर सिंपल इन्फिनिटिव की बात करें तो अगर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है, टू से कोई भी वर्ब जुड़ी हुई है, तो वह हमारी हो जाती है सिंपल इन्फिनिटिव। अब आपको बेयर इन्फिनिटिव कहां प्राप्त होंगी दोस्तों? जितने भी आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमने लिखा आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूं, तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे दोस्तों यहां पर सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। जैसे हमने लिखा यू विल राइड हॉर्स, तो आप यहां पर देखेंगे राइड हमारा क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर किसी भी वर्ब में टू लगा है, जैसे हमने लिखा आई एम टू डांस, यू आर टू ईट, ही इज टू रीड, जैसे हमने लिखा यू, यहां पर लिख दे, दे बेयर टू जंप। इस तरह से आप देखेंगे जितने भी वर्ब में
टू लगा हुआ है, डांस के पहले टू, ईट के पहले टू, रीड के पहले टू, जंप के पहले टू, तो जितने भी वर्ब में टू लगे हुए हैं सबके सब हमारे हो जाते हैं दोस्तों सिंपल इन्फिनिटिव। तो आपको बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझना है। जैसे हम यहां पर फिर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा ही मे रीड द बुक। तो आप देखेंगे यहां पर दोस्तों हमारा रीड जो है क्या हो जाएगा, वेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, बड़े आराम से आप सिंपल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव में अंतर निकाल सकते हैं। अब इनके साथ क्या क्या होता है दोस्तों, एक तो इनका क्या किया जाता है, क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे इनसे, अब हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। पहला तो आपको क्या किया जाएगा, इससे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन कि किस तरह से बेयर इंफिनिटिव का ट्रांसलेशन किया जाता है, उसका मतलब क्या। जैसे हमने कहा मैं पढ़ाने वाला हूं, तो पढ़ाने वाला हूं कौन से इंफिनिटिव होगी, सिंपल इंफिनिटिव होगी कि बेयर इंफिनिटिव होगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। गया सेंटेंस है मैं पढ़ाने वाला हूं। आप बताइएगा इस सेंटेंस में कौन सा इंफिनिटिव है, सिंपल है कि बेयर है। दूसरा इसका यूज कहां पूछा जाता, पैसिव के क्वेश्चन में दोस्तों, जब आपसे पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आई एम टू डांस, पूछ लिया आपका इसका पैसिव क्या होगा, तो बताइएगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। सभी की सभी जितने भी सिंपल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव लिखे गए सबके सबके पैसिव के विषय में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद नंबर तीन पर इसमें चर्चा किया, क्वेश्चन आता है नरेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप नरेशन के भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो इन्फिनिटिव के माध्यम से। अगर आप और आगे जाएंगे दोस्तों तो और आगे आपको इसके मिलेंगे इरर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आप बड़े आराम से अगर इन्फिनिटिव के पार्टों को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं इन्फिनिटिव को समझने में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में। हमने आपको एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं इन्फिनिटिव का मतलब स्टैटिक वर्ब का मतलब टू बी वर्ब, और इसी को इंट्रांजेसिव वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के इसके दो पार्ट हैं, एक है बेयर इन्फिनिटिव, एक सिंपल। बेयर का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल का मतलब होता है दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना। तो इस तरह से आपको इन्फिनिटिव का यह वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।